कई बार आपको अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें शर्म करने वाली क्या बात है, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं इसमें शर्म करने वाली क्या बात है, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें चीखने चिल्लाने वाली क्या बात है, को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर, उसके बाद आप इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू लव, यानी इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू वीप, इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू क्वारल, इसमें लड़ाई करने वाली क्या बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू फाइट, यानी इसमें लड़ाई करने वाली क्या बात है, इसमें शर्म करने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू साई, यानी इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू टेल अ लाई, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू बी नर्वस, यानी इसमें उदास होने वाली क्या बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट्स देयर टू हाइड, इसमें चीखने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई, यानी इसमें चीखने वाली क्या बात है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है, इसमें बहस करने वाली क्या बात है, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सीखा या गलत। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।